Hello students, today we will discuss the hemolymph of insects. In the previous lecture, we did the circulatory system of insects, that is the circulatory organs, and we know that the coelomic space is there in the insects and it is called as hemocoel. The circulatory system in insects is open type, and the blood, which we call as the hemolymph, it flows in the blood channels as well as blood sinuses. Now, discussing the structure, the composition of hemolymph, it is a colorless greenish yellowish fluid containing hemocytes, organic and inorganic salts. 5 to 40% of the body weight is hemolymph. The volume of the hemolymph is minimum after molting and maximum before molting. Yani ki molting ke shuruaat mein sabse adhik matra mein hota hai hemolymph. और जस्ट आफ्टर मोल्टिंग, मोल्टिंग के बाद हेमोलिम्फ की मात्रा सबसे कम होती है. पीएच हेमोलिम्फ का 6 से 7 के बीच में होता है, यानी कि एसिडिक टाइप का, स्लाइटली एसिडिक है. फिर आता है केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि अन्य एनिमल्स के ब्लड में भी है. इंसेक्ट्स में ब्लड का 90% वाटर होता है, यानी कि हेमोलिम्फ में 90% इज वाटर एंड द रेस्ट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ हेमोसाइट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. देर इज कंपैरेटिवली हाई अमाइनो नाइट्रोजन कंटेंट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स जो हैं काफ़ी अधिक होते हैं. लो सोडियम पोटेशियम रेशियो होता है, मैग्नीशियम काफ़ी अधिक मात्रा में होता है. इसी प्रकार से यूरिक एसिड काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड. यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं यूरिकोटेलिक होते हैं. इंसेक्ट्स का जो ब्लड शुगर है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ब्लड शुगर जो है वो ट्री हैलोज होता है, ये हेक्सोज शुगर है. ग्लूकोज कम मात्रा में पाया जाता है और ब्लड शुगर मेनली जो है वो ट्री हैलोज के फॉर्म में है. ये एक हेक्सोज शुगर है. जो लिपिड्स हैं ब्लड में वो ज़्यादातर डाइग्लिसराइड्स होते हैं. ब्लड पिगमेंट जो है वो एब्सेंट है. हेमोग्लोबिन कुछ ही इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि कायरोनोमस. कायरोनोमस स्पीशीज में हेमोग्लोबिन मिलेगा, और कुछ ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं जिनमें कि हेमोग्लोबिन पाया जाता है. टायरोसिन पाया जाता है ब्लड में, जो जिसके द्वारा या जो कंट्रोल करता है स्क्लेरोटाइजेशन एंड मेलानाइजेशन, यानी कि क्यूटिकल जो है, जो नई त्वचा जो बनती है उसकी जो क्यूटिकल है उसका हार्डनिंग. स्क्लेरोटाइजेशन मींस हार्डनिंग एंड मेलानाइजेशन मतलब डार्क कलर हो जाता है, डार्कनिंग टायरोसिन द्वारा होती है. फिर आता है, ये तो थे केमिकल्स, अब आता है किस प्रकार के ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स पाए जाते हैं. द ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज हेमोसाइट्स एंड दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोसाइट्स. सबसे पहले प्रोहेमोसाइट्स या प्रोल्यूकोसाइट्स, ये लार्ज फेरिकल सेल्स होते हैं. इनका न्यूक्लियाई भी लार्ज होता है और इनके द्वारा अन्य सेल्स जो है ब्लड के सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं. देन कम्स प्लाज्मेटोसाइट्स और अमीबोसाइट्स. जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, ये अमीबिया शेप के होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ओवॉइड भी हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, पियर शेप्ड हो सकते हैं. लार्ज न्यूक्लियाई आर देयर.
फिलीफॉर्म साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हो सकते, अगर अनियमित आकार है तो जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं वो थिन फिंगर लाइक होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं। साइटोप्लाज्म में कई ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, और इन प्लाज्मेटोसाइट्स का नेचर फैगोसाइटिक है, यानी कि ये अन्य कोशिकाएं या बड़े मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ कर लेती हैं और मेन सर्कुलेशन से हटा देते हैं। देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ हेमोसाइट, दैट इज ग्रैन्यूलर हेमोसाइट। ये कॉम्पैक्ट सेल्स हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इनका न्यूक्लियस स्फेरिकल है। साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स हैं, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, एसिडोफिलिक टाइप के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये अमीबॉइड भी हो सकते हैं और नॉन मूविंग हैं। नॉन मूविंग मींस नॉन मोटाइल मींस अमीबॉइड सेल्स ज़्यादातर मूवेबल सेल्स होते हैं, बट इन दिस केस दे आर नॉट मूवेबल, दे आर नॉन मोटाइल, और इनका फंक्शन मेटाबॉलिज्म में होता है। फोर्थ टाइप इज एडिपो हेमोसाइट्स और एडिपोसाइट्स। दे आर लार्ज सेल्स, एक्सेंट्रिक न्यूक्लिया, यानी कि न्यूक्लिया जो है कोशिका के परिधि की तरफ होता है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है। दे आर फाउंड इन हेमिप्टेरा, डिप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा, और ये कहाँ मिलेंगे? फैट बॉडीज में। एडिपो मीन्स फैट, सो दे आर फाउंड इन द फैट बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज कोएगुलोसाइट्स और सिस्टोसाइट्स। कोएगुलोसाइट्स और सिस्टोसाइट्स दे आर स्फेरिकल सेल्स, हाइलीन साइटोप्लाज्म होता है, हाइलीन मीन्स ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियाई है, बड़ा न्यूक्लियाई पाया जाता है, ऑर्थोप्टेरा कोलियोप्टेरा में मिलते हैं, और इनका फंक्शन कोएगुलेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। देन इज स्फेरियल सेल्स। स्फेरियल सेल्स ओवल या इलिप्टिकल शेप के होते हैं, इनमें इओसिनोफिलिक टाइप का साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियाई जो है वो बहुत क्लियरली नज़र नहीं आता है, यानी कि इनडिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इज ओएनोसाइट्स। ओएनोसाइट्स या क्रिस्टल सेल्स ओवल शेप के होते हैं, और ओएनोसाइटॉइड्स आई मीन से ये ओएनोसाइट्स की तरह होते हैं। ओएनोसाइट्स हम स्टडी कर चुके हैं, जो इंसेक्ट का इंटेग्यूमेंट होता है उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ये बहुत बड़े लार्ज सेल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियाई एक्सेंट्रिक है, यानी कि एक साइड पे पाया जाता है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है। हेमिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, इन चार ऑर्डर्स में ये मिलते हैं। नेक्स्ट इज पोडोसाइट्स और स्टेलेट सेल्स। ये स्टेलेट शेप के होते हैं, इनमें लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, और पोडिया जो हैं वो रेडिएटिंग होते हैं, यानी कि सारे रेडियस में अलाइंड होते हैं इसकी जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकलते हैं। लास्ट इज वर्मी फॉर्म हेमोसाइट्स या नेमेटोसाइट्स। ये थ्रेड लाइक स्पिंडल शेप, पतले धागेनुमा स्पिंडल शेप होते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये 9 प्रकार के ना होके केवल 7 प्रकार के हेमोसाइट्स होते हैं इंसेक्ट्स में, जिसमें कि पोडोसाइट्स और वर्मी फॉर्म हेमोसाइट्स जो हैं ये प्लाज्मोसाइट्स के ही वेरिएंट्स हैं या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब आता है हेमोसाइट डिफरेंशिएशन। प्राइमरी हेमोसाइट्स जो हैं वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला प्रो हेमोसाइट होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप होता है, और इससे डिफरेंशिएट होते हैं बाकी सारे टाइप के सेल्स। तो ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
the prohemocytes aggregate and form encapsulated hemopoietic organs. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस दौरान ये प्रोहेमियोसाइट्स जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं और इनके चारों ओर एक कैप्सूल बन जाता है, कवरिंग हो जाती है और बनाते हैं हेमोपोएटिक ऑर्गन्स जिनके द्वारा ब्लड का निर्माण होता है। ये ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि लेपिडोप्टरा के लार्वा में ये ज़्यादातर होते हैं बिहाइंड द प्रोथोरेसिक स्पाइरकल्स या विंग के डिस्क या फैट बॉडीज के आसपास ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और ये ऑर्गन्स जैसे ही प्यूपल स्टेज आती है उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ब्लड फॉर्मेशन हेमोपोएटिक ऑर्गन्स द्वारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। अब आता है लास्ट, दैट इज़ कि ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, या जो हमने हेमोलिम्फ स्टडी कर रहे हैं हम, इसके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले फैगोसाइटोसिस। द प्लाज्मेटोसाइट्स प्ले मेजर रोल ऑफ फैगोसाइटोसिस बाय रिमूविंग बैक्टीरिया वायरसेस। ये जो फॉरेन माइक्रोब्स इंसेक्ट के बॉडी में प्रवेश करते हैं इनको इनको ग्रहण करके नष्ट कर देते हैं, या ऑटोलाइज टिश्यूज जो डेड या डैमेज टिश्यूज हैं उनको भी ब्लड सर्कुलेशन से हटाते हैं फैगोसाइटोसिस द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन इज एनकैप्सुलेशन। ये एक अलग तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि जो लार्ज मेटाजोन पैरासाइट्स होते हैं इनको इनका फैगोसाइटोसिस ना करके इनके चारों ओर प्लाज्मेटोसाइट्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, एक कैप्सूल बनाते हैं। और इससे क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो पैरासाइट्स हैं मेटाजोन पैरासाइट्स हैं ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्स, लार्वा, नेमाटोड्स, फंगाई, ये इस तरह के जो बड़े पैरासाइट्स जो कि इंसेक्ट बॉडी में आ जाएंगे उनको इस एनकैप्सुलेशन द्वारा नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, जैसे कि स्फेरुलर सेल्स में मिलते हैं। ये दे रिलीज देयर कंटेंट्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस स्पेशली ड्यूरिंग विंग डेवलपमेंट। फोर्थ फंक्शन इज कोएगुलेशन। इंसेक्ट ब्लड क्लॉट्स इन 5-10 मिनट्स बाय हेल्प ऑफ कोएगुलोसाइट्स। वुंड हीलिंग। प्लाज्मेटोसाइट गिव आउट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एंड फॉर्म अ सेलुलर नेटवर्क एट द साइट ऑफ वुंड एंड प्लग द डैमेज सेल्स टू हील द वुंड। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन। इन केस ऑफ इंसेक्ट्स द कनेक्टिव टिश्यू इज ए सेलुलर एंड सिक्रीटेड बाय अंडरलाइंग टिश्यूज एंड हेमोसाइट्स। ए सेलुलर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है संयोजी ऊतक, इसमें कोई सेल्स नहीं होते और हेमोसाइट्स द्वारा सिक्रीट होता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज इम्यूनिटी एंड डिटॉक्सिकेशन। ये भी प्लाज्मेटो